नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 28 नवंबर 2019, समय 9:17:24 हो रहा है। और यहां पे स्टॉक्स पहले लगा लेता हूं, जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद जो है, आज हम लोग हेजिंग में करेंगे काम। हेजिंग मतलब एक्सपायरी डे है ना, निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो आज हम लोग थर्सडे के दिन हेजिंग का काम करते हैं, जैसा कि पता है कॉल और पुट में। तो स्टॉक्स लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर हेज का कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करके सेम प्राइस का, जैसा कि होता है आपको पता ही है, हर बार थर्सडे को हेजिंग करता हूँ। तो देखते हैं आज कौन सा स्ट्राइक प्राइस मिलता है। दोस्तों, एक ऑर्डर ले रहा हूँ, 1 मिनट रिफ्रेश कर। तो दोस्तों, एक ऑर्डर लिया है, निफ्टी के 12,200 के कॉल को बाय किया है और निफ्टी के 12,000 पुट को बाय किया, एक एक लॉट को। देख रहे हैं सेम प्राइस पे, 2 रुपया 35 पैसा 40 पैसे के आसपास, तो हेजिंग के हिसाब से किया है। लॉट में इसमें और बढ़ा भी सकता हूँ, 2 रुपया 40 पैसा 45 पैसा या 50 पैसा, इसको मैंने पुट में एक लॉट और बढ़ा दिया, ठीक है। और कॉल में भी मैं एक लॉट बढ़ा दूंगा दोस्तों, कॉल में भी एक लॉट बढ़ा दूंगा, तो ये मैंने कॉल में भी कर दिया। अब 2 लॉट हो गए, यानी कि 150 क्वांटिटी हो गया 12,200 के कॉल ऑप्शन में और निफ्टी के 12,000 के पुट में 2 लॉट हो गए। टोटल हेजिंग वाला जो प्रोसेस, आज थर्सडे है, एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए मैंने हेज किया हुआ है। अब वेट करेंगे टारगेट के लिए, देखते हैं। टारगेट टारगेट तो इसमें होता नहीं है एक्चुअली, एक डिसेंट प्रॉफिट होगा दोनों में से किसी में, तो वहां से मैं एग्जिट करके निकल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों को मैं आमने सामने लगा देता हूँ, 2 विंडो बना देता हूँ, और एक विंडो में कर देता हूँ इधर इधर कॉल कर देता हूँ, इधर पुट कर देता हूँ, है ना। चलिए, एक कॉल कर दिया है और एक पुट कर दिया, और दोनों में अभी 12 का लॉस इसमें है, 30 का लॉस इसमें। देखते हैं दोनों में किसी में अगर डिसेंट सा प्रॉफिट होगा तो वहां से कट करके निकल जाना है। जैसा कि हेजिंग आप लोग जानते हैं, मैं हर हमेशा थर्सडे को ये करता हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। वेट करते हैं दोस्तों, हम लोग रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ, समय दिखा देता हूँ, समय 9:46:27 हो रहा है। तो दोस्तों, अभी हेजिंग में पुट में 3 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट, और कॉल में 67 का लॉस चल रहा है। तो देखते हैं किस तरफ क्या आता है रिजल्ट, जिधर से भी पोजीशन निकलेगा अच्छा सा, उधर से बुक करना है प्रॉफिट और क्लोज कर देना है पूरा टर्मिनल। ओके, तो देखिए इसमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या भागता है या नहीं भागता। निफ्टी दोस्तों पूरे तरीके से साइडवेज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और कॉल और पुट में सेम चल रहा है, 32 का प्रॉफिट, सॉरी 32 का लॉस इसमें और 32 का लॉस इसमें, दोनों में सेम लॉस चल रहा है, बिल्कुल साइडवेज है। 14 पॉइंट में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जिधर का भी मूवमेंट होगा तेज उधर ये भागेगा। एक्सपायरी का डे है तो इस पर नजर रखेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बने रहिए। और हेजिंग को देखिए किस तरह से हेज करते हैं, सेम प्राइस का माने स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होना चाहिए कॉल और पुट, और वैल्यू इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने 2.5 रुपये पे लिए, दोनों इक्वल मिल रहे थे उस वक्त, तो 2.5 रुपये पे 2 रुपये 50 पैसे के आसपास लिया है, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि मेरा रिस्क दोनों में इक्वल होगा, लेकिन जब भागना शुरू करेगा तो किसी एक तरफ बहुत तेजी भागेगा, ठीक है ना। और इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती क्योंकि दोनों एक दूसरे का स्टॉप लॉस की तरह काम कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे के स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा जब ये चलना शुरू करे। तो वेट करते हैं फिलहाल, अभी देखता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों, एक मूवमेंट स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है हेजिंग में, आज हेजिंग का डे है, 12,200 के कॉल में 7.5 का प्रॉफिट और इधर 77 का लॉस चल रहा है पुट में। देखते हैं, देखिए लॉस में जब लॉस भी होगा तो कितना, 2 रुपये का 2.5 रुपये का लॉस है ना, और नीचे की साइड में, क्योंकि उसके बाद तो है ही नहीं, तो 0 हो जाना है उसके बाद, लेकिन अपसाइड का तो ऊपर खुला हुआ स्पेस है ना, तो अपसाइड में वो मैक्सिमम जा सकता है दोनों में से कोई भी। तो मैक्सिमम जो मेरा लॉस होगा वो 2.5 रुपये का लॉस है, इसका मतलब अगर वो 2.5 रुपये का लॉस है, 150 क्वांटिटी है, तो 2.5 रुपये, सॉरी
₹2.5 का लॉस है तो 2.5 × 150 क्वांटिटी है ना, तो 375 का लॉस मैं बुक करूंगा, ज़्यादा ज़्यादा है ना, 375 का लॉस बुक करूंगा। और ऊपर की तरफ अगर ये खुल कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर ऊपर की तरफ भागेगा तो कम से कम 6 से 7 पॉइंट का मूवमेंट जरूर करेगा ऊपर, और प्रॉफिट अच्छा खासा दे के जाएगा। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं हेजिंग में। समय हो रहा है दोस्तों 10:05:12, और अब देखिए इधर 10:30 का प्रॉफिट हो चुका है 12,200 के कॉल में, और इधर जो लॉस है 12,000 के पुट में वो 94 का लॉस है। तो देखते हैं कहाँ पे हमारा जाके सेटलमेंट होता है। इसमें अभी एक मूवमेंट आना चाहिए, दोनों में से किसी भी तरफ मूवमेंट आए तेज मूवमेंट आएगा। ये बस अपना रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है अप साइड में, अगर ये ₹3.20 ₹3.50 को निकालता है तो बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। 45 का प्रॉफिट हो रहा है इधर 94 का, यानी कि ओवरऑल तो हेज में भी अभी फिलहाल लॉस में हूँ, है ना, हेज में। लेकिन लॉस जो होगा वो लिमिटेड होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो ऊपर की साइड में, क्योंकि उसका लेवल ओपन है नीचे की साइड में, और नीचे तो स्पेस ही नहीं है इसको, है ना। जाएगा कितना, ₹2 गिर सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो गिर ही नहीं सकता ना। ये देखिए 52 का प्रॉफिट, 45, चलो भागा तो बहुत तेजी से भागेगा, अपसाइड का मूवमेंट करेगा। ये वेट करते हैं, हाया लगाया है 260 का, 270 का, वेट करता हूँ दोस्तों। 60 का प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों इधर, और इधर 100 का लॉस, वेट करते हैं, देखते हैं ये कवर होता है या नहीं होता है। 60 का प्रॉफिट, एक झटका मारेगा अपसाइड का बहुत फास्ट, बस नज़र बना कर रखिए। थर्सडे को हेजिंग थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि प्राइस कम हो जाता है, छोटे प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है प्रीमियम, है ना, आसपास का प्रीमियम छोटे प्राइस पे ही अवेलेबल हो जाता है। इसके वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि थर्सडे को करिए और हेज करके करिए, है ना, नेकेड नहीं करना है। नेकेड मतलब किसी भी वन साइड का नहीं लेना है आपको पोजिशन, जब भी लीजिए दोनों साइड का लीजिए। देखिए क्या ये ₹3.20 ₹3.50 कह सकते हैं, ₹3.50 का एक रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पर। तो मूवमेंट स्टार्ट हो गया दोस्तों, 80 का प्रॉफिट हो चुका है, 60 का प्रॉफिट हो चुका है, और इधर 100 का लॉस, यानी कि हेजिंग में अब ₹40 का लॉस में फिलहाल बैठा हुआ। ये 3.50 का एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करे तो ये बहुत तेज़ी से भागेगा, फिर सीधे मुझे लगता है ₹7-8 तक इसको जाना चाहिए। अभी वेट करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है फिर से, वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 11:09:07, और अभी तक जो हेजिंग का पोजीशन है अभी वहीं पर खड़ा है, जो 12,200 का कॉल ऑप्शन है उसमें 142 का, 127 का लॉस, और 117 का लॉस चल रहा है 12,000 के पुट ऑप्शन में। तो वेट करता हूँ दोस्तों, अभी समय 11:09 हो रहा है और 26 सेकेंड, तो टाइम है अभी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, छोटा सा रिस्क है, ज़्यादा से ज़्यादा 350 का लॉस हो सकता है, दोनों मिला के 600 का लॉस हो सकता है, 600 से 700 का, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। तो वेट करता हूँ मैं, और चूंकि मेरे पास रिस्क है ना, 600 से 700 का लॉस ये ज़्यादा तो है नहीं, इसका जस्ट मैं वेट कर सकता हूँ। मूवमेंट ज़रूर आना चाहिए, दोनों में से किसी वन साइड मूवमेंट तो आना ही चाहिए जहाँ तक लग रहा है, तो वेट करेंगे अभी हम लोग इसके लिए, और थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है तो वेट तो करना ही पड़ेगा, अगर पैसा कमाना है तो समय तो देना ही पड़ेगा। तो अभी दोस्तों फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद देखिए समय हो रहा है 11:47:47, पुट ऑप्शन में 252 का लॉस चल रहा है, और कॉल ऑप्शन में 22 का प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है अभी, ठीक है, काफ़ी नीचे आने के बाद वापस से अब ये बाउंस बैक कर रहा है कॉल ऑप्शन में। तो देखते हैं क्या आज हम लोग हेजिंग में प्रॉफिट लेके जाते हैं या लॉस लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने में दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रेड ओवरऑल हैं मेरे, क्योंकि तो हेजिंग ही करता हूँ, आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो अगर देखते हैं तो आपको पता है कि मैं हेजिंग करता हूँ थर्सडे को। तो दो ऑप्शन है, पुट भी है कॉल भी है, बिना स्टॉप लॉस के, दोनों एक दूसरे का स्टॉप लॉस के जैसा काम करता है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा हेजिंग में आज प्रॉफिट होता है या मैं लॉस लेके बुक करके बाहर आता हूँ। तो देखिए आज काफ़ी देर वेट करना पड़ा, अभी ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न को फॉर्मेट कर रहा है, फॉर्मेशन बना रहा है, अगर उसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा तेजी देखने का आपको मिल सकता है, यानी कि अब ₹3 का एक रेजिस्टेंस है, 3 को अगर ब्रेक करेगा तो 350, उसके बाद फिर ये
अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो वेट करते हैं फिलहाल दोस्तों, रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं अभी। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 12:04:59। 3 रुपए का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है काफी। देखिए इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होगा जो लगभग 6-7 रुपए तक इसको लेके जाएगा। पहले तो 4:30 तक इसको जाना चाहिए, लेकिन 3 को ब्रेक करेगा उसके बाद 3:30 को, तब उसके पहले बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो वेट करते हैं हम लोग, काफी पेशेंस रखना पड़ रहा है। ब्रेक तो कर रहा है, काफी अच्छे तरीके से ब्रेक कर रहा है, तो वेट करते हैं अभी हम लोग। तो जैसा इसको ब्रेक करेगा तो तेज मूवमेंट होगा। तो देखिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया, 200 का प्रॉफिट चल रहा है। तो 4:30 तक पहले आएगा ये, उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है जैसा कि कहा था कि 3 और उसके बाद 3:30 रुपए का एक रेजिस्टेंस है। तो काफी पेशेंस रखना पड़ा आज हेजिंग में। इधर 274 का लॉस है, इधर 200 का प्रॉफिट है, तो इक्वल हो गया लगभग। अभी वेट करता हूँ, और भी ऊपर जाना चाहिए। अगर ये सही तरीके से चला तो मुझे लगता है ये 9 रुपए तक भी जा सकता है। एक रेजिस्टेंस है इसके पास, 9 के पास एक रेजिस्टेंस है, उसके पहले लेकिन एक रेजिस्टेंस यहाँ है 4:30 के आसपास में। तो इसके पास देखते हैं जाता है या नहीं जाता है। अभी अब हेजिंग में मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ फिलहाल। इधर कहाँ गया, यह 274। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 1:29:05। अभी भी देख रहे हैं वहीं का वहीं है, 297 का लॉस हो रहा है पुट में और 142 का लॉस हो रहा है कॉल में, हेजिंग वाले ऑप्शन में। तो अब यहां पर मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा हूं कि 1:30 बज चुका है, अब रुकूं या वेट करूं या कट कर दूं। लगभग 400 के लॉस में हूँ, तो जैसा कि मैंने कहा ही था कि 600-700 का लॉस हो सकता है, क्योंकि दोनों का 2.5-2.5 रुपये का प्राइस है ना, 2.5 रुपये पे लिया है, 2.50 पैसे पे लिया है। तो ज़्यादा ज़्यादा दोनों तरफ मिला के 700 का लॉस हो सकता है इंड ऑफ, अगर मैं वेट करूँगा तो। ठीक है ना, तो अब यही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो वेट करता हूँ आधा घंटा और 2 बजे तक देख लेता हूँ, अगर कोई मूवमेंट आया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं ट्रेड काट दूंगा यहाँ से दोस्तों। ठीक है, रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया जैसा कि कहा था कि 2 बजे तक वेट करूंगा, तो वेट कर लिया। 320 का लॉस चल रहा है पुट ऑप्शन में, कॉल में चल रहा है 270 का लॉस, 3-2-5 600 का लॉस बुक करके बंद कर रहा हूँ ट्रेडिंग, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।